हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बाजू का बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे बटन्स के साथ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये बाजू को इस तरह से रखा है जो उसका लाइनिंग है वो भी ऐसे ही रखा है अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो आप नॉर्मल बाजू को ही रख सकते हो तो यहाँ पे मैंने डेढ़ इंच लिया है यहाँ पे चार इंच तो इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे हम तिरछा ट्रायंगल शेप में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे अब इसको हम काट लेते हैं अब इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह से लगेगा ये अब जो लाइनिंग है उसको हम जो इसकी सीधी वाली साइड है कपड़े की उसके ऊपर रखेंगे अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो आप उसके नीचे कोई कपड़ा लगा सकते हो जैसे हम गले में लगाते हैं तो इस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो उसकी मोरी होती है बाजू की वहाँ से और पूरे में इस तरह से हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे ये सिलाई लग गई अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे पलट लेंगे और अच्छे से जो इसके ये कोने हैं वो अच्छे से निकाल लेंगे अब इसके ऊपर हम बिल्कुल कोने कोने पे एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल आप फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना जो लाइनिंग है उसको एडजस्ट करते हुए ताकि ऊपर से वो दिखे ना जैसे हम गले में लगाते हैं कपड़ा उसी तरह से इस तरह से हम कोने पे सिलाई लगा लेंगे तो ये सिलाई हमारी लग गई है ये देखिए इस तरह से अब हम एक पट्टी लेंगे यह चार इंच चौड़ी पट्टी है ये और लंबाई में आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हो जितना आपने बाजू को आगे से खुला रखना है लूज़ रखना है चौदह पंद्रह सोलह कितना भी आप रख सकते हो अगर एक्स्ट्रा बचेगी तो उसको हम काट लेंगे तो अब इस पट्टी को उल्टा करके इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे तो ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से हम रेडी कर लेंगे तो ये पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं अब हम इनको सीधा कर लेंगे किसी पेन या किसी सीज़र कैसे भी क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इजीली ये सीधा हो जाएगा ये देखिए इस तरह सीधा कर लिया जो उसकी जो सिलाई है वो हमने बिल्कुल सेंटर में करके फिर उसको प्रेस करना है तो ये दोनों पट्टियों को हमने सीधा कर लिया है अब इस तरह से मैंने इनको प्रेस कर लिया है बिल्कुल जो उनकी सिलाई है वो नीचे आ जाएगी अब हम एक पट्टी लेकर बिल्कुल इस तरह से बाजू के जो फ्रंट होता है जो मोरी जहाँ पे होती है वहाँ पे हम रख के लगाएंगे तो बीच का जो डिस्टेंस है हम नॉर्मल जितना हमने बनाया हुआ वैसा रखेंगे पट्टी को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना है और ना ही उसको लूज़ छोड़ना है तो इस तरह से हम ये पट्टी को दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए और ना ही उसको लूज़ रखना है ये एक पट्टी हमने लगा दी है अब इसके साथ ही दूसरी पट्टी को भी हम अटैच करेंगे बिल्कुल उसके साथ साथ दूसरी पट्टी के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना है उसके बिल्कुल साथ में लगाना है इस तरह से इस पे भी हम वैसे ही जो डबल सिलाई है दूसरी साइड में वो लगा लेंगे इस तरह से तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा पट्टी वाला जो बचता है उसको हम काट लेते हैं अब देखिए पट्टियां लग गई हैं अब हम इसके ऊपर बटन्स लगाएंगे तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल उसका जो सेंटर है जो आपकी बाजू का सेंटर रहेगा जहाँ पे वो कट आया था वहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी को दोनों कोने से हमने स्टिच लगाना है और फिर बीच में खींच देना है तो इस तरह से बन जाएगा फिर हमने इसके ऊपर पहले इसको पक्का कर लेंगे फिर इसके ऊपर इस तरह से बटन अटैच करेंगे आप अपनी चॉइस के कोई भी बटन लगा सकते हैं आप इसको इस डिज़ाइन को किसी कंट्रास्ट के साथ भी बना सकते हैं अगर आपकी सलवार किसी और कलर की है तो उस कलर की आप पट्टी लगा सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे ही हम दूसरी पट्टी के ऊपर भी इस तरह से बटन जो है वो अटैच कर लेंगे पहले हम सेंटर में सुई निकालेंगे फिर दोनों साइड से स्टिच लगा के उसको खींच लेंगे अब इसके ऊपर भी हम ये बटन लगा देते हैं इस तरह से अब ये दोनों बटन हमारे लग चुके हैं अब हम दो बटन और लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमें वो लगाने हैं अब देखिए ये बटन भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये बनके बन के हमारी बिल्कुल रेडी है और कितनी सुंदर लग रही है बिल्कुल सिंपल और सुंदर तो आप भी ऐसे ही अपना डिज़ाइन बनाइए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए और अच्छी और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ टिल देन बाय